अपने प्रोडक्शन मैनेजर संजय कुमार के साथ स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम फेस टू फेस। स्वामी जी, आधुनिकता और अध्यात्म में समन्वय कैसे संभव है जबकि दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं? आज जैसा देखा जा रहा है उसके मुताबिक तो सच यही है कि दोनों विरोधी हैं और समन्वय बन नहीं रहा है। अध्यात्म एक तरफा फेंका जा रहा है और आधुनिकता बढ़ के सिर पर चढ़ के बोल रही है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा अमंगलकारी है ये भी दिखाई पड़ता है। आधुनिकता की होड़ में, आधुनिकता के संग्रहण में हर व्यक्ति अशांत और कलह से जुड़ा हुआ है। वह किसी प्रकार उसको सुख नहीं दे रहा है। पूर्व काल के लोग, जिनको तथाकथित आधुनिक नहीं कहेंगे, पुराना थे, पुराना पंथी कह लीजिए या प्राचीन काल के लोग थे, जो खपड़ेल के घरों में रहते थे, जो झोपड़ियों में रहते थे, जो मोटा खा पी के रह जाते थे, आज जैसा कटलेट नहीं मिलता था खाने को उनको, वो सूखा सा भूंजा चना फाँक के रहते थे, वे स्वस्थ भी थे और शांत भी थे। वे एक दूसरे के पास में, पड़ोस में, हर जाति के लोग कितना समन्वय भाव से कैसे रहते थे। वे एक दूसरे के शादी विवाह में जाते थे मदद करने के लिए, उनके यहाँ हम जाते थे, हमारे यहाँ वो आते थे। तो समाज की जो व्यवस्था थी वह किस तरह से इस आधुनिकता ने चौपट कर दिया कि आज मैं, मेरे पत्नी और मेरे बच्चे के अलावा परिवार में शायद माँ बाप भी नहीं आते हैं। हाँ, फैमिली साथ रखते हैं, फैमिली में माता पिता नहीं आते हैं। तो इस आधुनिकता ने तो गर्क कर दिया, परेशान भी हो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही है, या तो समझ लाने का उसका सोता ही काट दिया गया है या काटा जा रहा है दिनों दिन, या उसके इम्पोर्टेंस को बताने वाला कोई हस्ती नहीं रही, उसका अभाव हो गया और न उसके लेने की हम ज़रूरत समझ रहे हैं। ज़रूरत तो है पग पग पर, जिस अभी पुण्य और पाप की परिभाषा हमने कही, जो चीज़ हो, जो उदारता, जो हरदम चित्त अशांत, और क्यों आजकल तनाव में दवाएं खा रहा है और ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन है। तो उस अध्यात्म में तो कभी भी पुराने के लोगों को नहीं देखा जाता था कि उनको मानसिक रोग हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं जाता था कि वे किसी तरह से सुसाइड करते थे, वे कभी नहीं ऐसा देखता था कि हाँ बगल वाला मर रहा है और करा रहा है और हम मज़े से सो रहे हैं। वे तो उस संतुलन को बिगाड़ा है हमने, इस हमारी आधुनिकता ने। इस जहर को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, हो रही है परेशानी, लेकिन वो परेशानी को हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, कहीं मैला पड़ा हो उसकी बदबू आ रही है, लेकिन आलसी इतने हैं या तरीका इतना है कि उसको हटाने का जतन नहीं करेंगे, हम बदबू में भले रह जाएंगे। हर व्यक्ति, हर स्तर का प्राणी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, जो पढ़ा लिखा है या शिक्षित है, चाहे जैसे कुछ भी समाज के जिस स्तर के लोग हैं, आज हर कोई अशांत है और छोटा भी है तो ऐसा ही बड़ा बनने की ताक में लगा हुआ। जब ये आधुनिकता नहीं थी, ये तथाकथित नेता आज परोस रहे हैं हम कि हम लैपटॉप दे रहे हैं, हम टीवी दे रहे हैं, हम और चीज़ें दे रहे हैं, उसका सदुपयोग कितना हो रहा है? क्या क्राइम रुक रहा है? क्या बलात्कार रुक रहा है? क्या और चीज़ें कुछ रुक रही हैं? तो आधुनिकता बढ़ाते जा रहे हैं जिस काम के लिए कहते हैं कि हम बिल्कुल साम्राज्य और सुराज्य स्थापना करेंगे। सुराज्य आपका हो भी रहा है कि भाषण देने के लिए केवल सुराज्य है आपका, तो उसका अभाव कहाँ है? वो कोई महापुरुष बताएगा, कोई महात्मा बताएगा कि तुम गलत राह में जा रहे हो, तुम आग पर चलने लगे हो, और इसका परिणाम होगा कि कहीं ना कहीं आके तुमको लौटना तो पड़ेगा। आज अमेरिका के विदेशी लोगों को देखा मैंने, बहुत सारे साधु बने फिर रहे हैं। कुंभ में कई देखा विदेशियों को, उनका एक्सप्रेशन पूछा गया, कहा कि आहा, धन्य है भारत जहाँ गंगा बहती है, ये चैंटिंग सुनता हूँ ओम ओम ओम, तो मुझे तो लगता है कि मैं वो राजमहल और सुख और ऐश्वर्य छोड़ के यहाँ गंगा के किनारे बैठूँ वर्षा में भी, तभी सुखावे। आध्यात्मिकता से भरपूर लोगों की जो मनोदशा है वो नज़दीक से कोई नहीं देखता है, लेकिन इधर हाय हाय लगी है कि हम उसको पकड़ें और वो हमको पकड़ने के लिए आ रहा है।
तो दोनों कंट्राडिक्टरी बना दिया गया है, और बना दिया गया है इसलिए जीवन भी इतना ज़्यादा जटिल बन गया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। उस जटिलता को दूर करने का जब भी अनुकूल होगा तभी होगा। कभी भी सुख शांति और साम्राज्य और राम राज्य बना है जब अध्यात्म साथ था, जो धर्म साथ था। वो आज भी ठीक से यदि समझा जाए, जो सचमुच उनको सौभाग्य मिला है किसी महान गुरु से साथ लेने का, अध्यात्म धर्म की बातें नहीं कि हाँ हम इतना जगह करा देते हैं और क्या कर देते हैं। वो भी एक आधुनिक ही स्टाइल बन गया है, धर्म और पूजा करना भी वो चल रहा है। मंदिर हमने 20 लाख का बनवा दिया, नाम गिना लिए कि हाँ हमने मंदिर बनवा दिया, वहाँ पंडित जो हैं सोया हुआ है रात में सवेरे भोर में, और कैसेट लगा दिया है आरती का, जय जगदीश हरे, खूब बढ़िया घंटा भी शंख भी बज रहा है, और पंडित तो खराटे भरे 7 बजे तक सोएंगे, और उधर जाके बटन दबा दिया, भगवान जी की पूजा हो रही है। ये आधुनिकता है, और उस पूजा से क्या मिलने को है वो। इसलिए जिस स्तर पर हम आधुनिक बने हैं उस स्तर के तह में जाके देखें तो हम अशांत हैं, सफल नहीं हैं, हम असफल हैं, हर कोई असफल है। उस अध्यात्म से हम आज अपने बाल बच्चों को बहुत सभ्य तो बना रहे हैं, हम जोर लगा के पढ़ा लिखा देते हैं, कमा के ये करता है, नौकरी करता है, चाकरी करता है, हैं। अब यदि बच्चा कहीं कह दे कि हम जाना है सत्संग में तो उनको मारेंगे। अभी क्या उम्र है सत्संग का, अभी खाने खेलने का, अभी पढ़ाई कर, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है जो सत्संग में नहीं आता और वो बड़ा होने के बाद में और वो बदला लेता है, माँ बाप मर रहे हैं घर में, हो जाके बीवी बच्चों के साथ मजा कर रहा है, तो उसका आधुनिकता का परिणाम तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तुमने उसके अंदर में आम बोलने का फल कहाँ किया, कहाँ से है। बचपन में हमें याद है हमारे पिताजी, मैं पढ़ता भी था, लेकिन वो महात्मा एक रहते थे ऊपर में तपस्वी बड़े, तो हम चल नहीं पाते थे तो नौकर पीठ पर ऐसे बांध के हमको ले जाता था, फल लेके ले जाते थे। देखता था बचपन में वे संतों को बुला के उनकी सेवा करते थे और मुझे पांव दबवाने को कहते थे। वह संस्कार आज तक भी हमको फायदा कर रहा है। आधुनिक नहीं बनाया, उस समय टीवी नहीं थी, शायद मोह बस वो भी समझता ही नहीं है आदमी ना, हम समझते हैं कि हम उसको प्यार कर रहे हैं, अरे फल्लाँ के बेटा को तो लैपटॉप दे दिया गया है, हम तो अपने बच्चे को क्या कहें, उतना पैसा नहीं जुट रहा है, इसका पछतावा है। उससे शांति थोड़े मिल पाएगी, बच्चे में बचपन का गुण देना चाहिए था, उसके अंदर में सात्विक संस्कार देना चाहिए था। हम समाज के हर स्तर के लोगों के बीच में जाते हैं और वो देखते हैं कि जिन गाँवों में इतना प्यार था, भले झोपड़ी थी, भले कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बिजली का नहीं था, वहाँ टेलीविज़न नहीं था किसी के घर में, लेकिन इतना प्रेम भाव था कि मैं पहुँचता था और रात में घंटी बज जाए 11 बजे रात को तो उसका अर्थ था कि स्वामी जी आ गए हैं, और घर घर में छोड़ के पत्नी भाग रही है, बेटा भाग रहा है कि तुम बंद कर देना, और भाग भाग के लोग आने लगते थे। और एक आज भी दिन है जहाँ जाता हूँ, अब महल बन गए हैं, घर घर पर एंटीना लगा हुआ है, उनके यहाँ टेलीविज़न है, घर घर के बच्चे अब पढ़ पढ़ के नौकरियाँ करने लगे हैं, पेंट पतलून पहनने लगे हैं, बिजली घर घर जल रही है, लेकिन हर साल में पता चलता है कि 2-3 लड़की किसी लड़के के साथ भाग गया, उसने उसके साथ ब्याह कर लिया, 4-2 उसका बकरी पकड़ के काट लिया, और 2-4 को मर्डर हो गया, मुकदमा घर घर चल रहा है, ये चल रहा है। आधुनिक बना दिया गया और अध्यात्म से दूर कर दिया गया। इतना प्रेम हुआ करता था उन बूढ़ों में कि एक आदमी डेथ बेड पर था, वो आजकल मरने वाला था, उसके घर वाले आने लगे तो कहा कि हम नहीं महाराज जी का दर्शन करेंगे, कि आप तो बीमार हैं, कहा कि तो ले चलो ना, यहाँ पड़े रहेंगे, तुम लोग तो जा ही रहे हो। और चारपाई उठा के सिर पर ले आए तो मैंने देखा कितनी दूर से कि यहाँ इसको क्यों टांगे ले जा रहे हो तुम, कहा कि मान ही नहीं रहे, कहें कि लेटे लेटे कुछ तो कान में जाएगा, तो हमने कहा वहीं रख दो, और वहाँ लेटे रहा बूढ़ा, 1-2 घंटा सत्संग प्रवचन हुआ, प्रसाद मैंने जाके उसको दे दिया और लौट के गया, घर जाने के बीच में गली में ही प्राण छूट गया उसका, इतनी आस्था दृढ़ होती थी। तो क्या वे सुखी नहीं थे, वे निरोग नहीं थे? हमारी आधुनिकता ने कहाँ हमको सुखी ज़्यादा बना दिया, कहाँ हम रोग से तो नीचे से ऊपर तक भरे हुए हैं, ये आधुनिकता ने किया और हमारे शांति और चैन छीन लिया उस अध्यात्म की दूरी ने।
इसलिए यद्यपि कि विपरीत है लेकिन दोनों में सामंजस्य बनाना ही होगा, चाहे जैसे बनावें और जब बनावें, जब भी बनावेंगे तभी कल्याण संभव है, नहीं तो और कोई पंथ ही नहीं है। सामानों से और ऐश्वर्य से, दुनिया की चीज़ों से सुखी नहीं बनाया जा सकता। काश ये हमारे ऋषियों की और शास्त्रों की उस मान्यता को हमारे सरकार और ये राजनेता जो समाज के सुधार और शांति का जिम्मा ले लेके माइक पर बोलते चलते हैं सब जने होड़ लगा के, वो तो ठेका लगा बैठे ना, उसने कुछ नहीं किया हमने बहुत किया, वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया हमने बहुत किया, ये सबसे बड़ी असंत वृत्ति है। ये संत तो कहता है कि आप बड़े दयालु हैं, आप बड़ी कृपा करके आ गए, हमको तो कुछ नहीं, हम गरीब ब्राह्मण हैं, गरीब साधु हैं हम। हाँ, संतत्व कहता है, अध्यात्म कहता है कि हम कुछ नहीं और आप सब कुछ, और आधुनिकता कहती है कि हम सब कुछ और तुम कुछ नहीं। झगड़ा तो इसी बात का है, झगड़ा होगा नहीं, हम जहाँ कहेंगे कि हम कुछ भी नहीं हैं तो आप मेरे ऊपर हम कीजिएगा अपने बेचारा दिन बन रहा है। हाँ, वही सीट की लूट में हमने छोड़ दिया खुशी से तो बैठ गए वे, और वहाँ नहीं तो धक्कम धुक्की भी लोग करने लगते हैं, मुक्का मुक्की हो जाता है बिल्कुल छेंकने के लिए। तो उस आधुनिकता ने लड़ना सिखाया, आधुनिकता ने संकुचित होना सिखाया। दायरा जो हमारा कम से कम एक जाति और परिवार के लोगों में तो जो सद्भाव था वो तो मिटा दिया तुमने, उन्होंने को सिकुड़ दिया तुमने दायरे को। जो सुख सबके सुख में सुखी होता था, जो सबके दुख में दुखी होता था, वो अध्यात्म की पढ़ाई थी, उसको बंद कर दिया गया। इसलिए आवश्यकता है उसकी, वो हमारा जीवन है। अब प्राण जो है तरीका है, नाक बंद कर देंगे तो घुटन होगा और मरेंगे आप, तो नाक ही बंद करने का उपाय किया जा रहा है। इस आधुनिकता ने नकेल हमारी पकड़ ली है और बंद करेगी, विनाश होगा। इसमें आगे बढ़ते बढ़ते जा ही रहा है इंसान विनाशों की ओर में। इसलिए अध्यात्म ही शांति दे सकता है, अध्यात्म ही सुखी कर सकता है उस तत्व को। काश ये भी हम सुनते हैं, बड़े थे अपने अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जिनको आजाद शत्रु कहा गया, वे हमने निकट के लोगों से सुना कि प्रतिमाह वे किसी न किसी आत्मनिष्ठ महात्मा को बुला के राष्ट्रपति भवन में नीचे बैठ के उनको ऊंचा आसन दे के सत्संग सुनते थे। और बजाबते सुनने का भी तरीका है, प्रणाम करके उनका पांव धो के उनको दक्षिणा दे के और सुनते थे, मति उनकी क्यों नहीं ठीक होगी। हैं, हमारे मुख्यमंत्री थे हमारे श्री कृष्ण सिंह जी, निकट के आदमी ने हमने बताया कि रात भर रात में 2 घंटा वे शास्त्र का अध्ययन जरूर करते थे। वे कहते कि वो शास्त्र ही तो हमें शासन की शक्ति देगा, ये शास्त्र और धर्म से हीन जो जीवन में कभी किसी गुरु और संत का साथ नहीं किया वे शासन क्या चलाएंगे। ये अध्यात्म से चौपट कर रहे हैं और चौपट जो जहर घोल रहे हैं लोगों के अंदर में, सुख कर दे सुखी कर देंगे, सुखी कर तुम क्या सुखी करोगे, जहर तो डाले हुए हो तुम, सप्लाई ही जहर हो रहा है वहाँ से। इसीलिए अध्यात्म जीवन है, अध्यात्म सुख है, अध्यात्म शांति है और अध्यात्म शरण है। उसी के शरण में आधुनिकता को भी रहना होगा, उससे डाउन होके। ठीक है, आधुनिक जो सुविधाएं हैं, हम नहीं कहते कि लोग पहले कलकत्ता जाते थे पैदल चल के और अब तो हवाई जहाज से उड़ के जाते हैं। जो सुविधा है, जो आग है तो उसका सदुपयोग है कि खाना मिलता है, दुरुपयोग है कि हाथ जला लेते हैं पकड़ के, हम बिछावन में थोड़े रखेंगे उसको, वो तो चूल्हे में रखने की चीज़ है ना, बहुत प्यारी चीज़ है। आज आग नहीं हो, आज सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो खाना बंद हो जाएगा, लेकिन अब आग को दुलार के मारे रजाई में रखेंगे लेके हम। तो जिस आधुनिकता से जो सदुपयोग होना था, उस सदुपयोग की तालीम और प्रेरणा और जहाँ से शक्ति मिलनी थी उसका सोता काटना सर्वथा अनुचित है। इसलिए हर किसी को आध्यात्मिक होना चाहिए, और वह अध्यात्म धर्म के महापुरुषों से, हमारे सत्शास्त्रों से मिला करता है, उससे सोता जोड़े और बेशक आधुनिकता का इस्तेमाल करे। वो दोनों विरोधी नहीं हैं, दोनों सपोर्टिंग हैं, और एक के बिना एक का अस्तित्व ही नहीं है। धर्म भी उपेक्षित पड़ा हुआ है, शास्त्र पड़ा हुआ है, आप नहीं पढ़िए तो क्या हो जाएगा आप, लेकिन उसकी ज़रूरत है, हमको पढ़ना चाहिए। इसलिए इस विरोध का कंसेप्ट जो है ये समझ में हमको आ जाए, या हमारे जो सुधारवादी नेता तथा कथित और शासक वर्ग बैठे हुए हैं उनको समझ में यदि आए तो उनको खुद भी सत्संग सुनना चाहिए, किसी संत के चरणों में जाके उनको आशीर्वाद लेना चाहिए। मोदी का इतना उदारवादी ख्याल कहाँ हुआ, हमने सुना को तो सन्यासी बनने गए थे स्वामी आत्मस्थानंद जी, जो प्रेसिडेंट हैं रामकृष्ण मिशन के, उनके शिष्य भी हैं वो।
तो हम सुखी नहीं रहे, सभी सुखी हों, हम अपना समय ज़्यादा से लोगों के भले में दे सकें, और वही प्रेरणा दे के पूरे एमपी लोगों को कैसा कैसा कर दिया उसने, हैं। अब अपने चूँकि सुधरा हुआ आदमी है, कैसा अध्यात्म, उससे शासन नहीं हो रहा है, वो आधुनिक नहीं है, वहाँ विदेश जाके बेचारा नवरात्र करके और फलाहार करके रह गए, वे पानी पी के और नींबू पानी पी के रह गए। तो उससे जो एक एक चेतना पैदा होगी, वही पवित्र चेतना होगी। बाकी खाएंगे हम, पिएंगे शराब और करेंगे शैतानी, और अब सुधारने चलेंगे, तुम खुद तो सुधरा नहीं है, क्या सुधारेगा तुम किसी को। इसीलिए अध्यात्म और भौतिकवादी भौतिकता जो है कंट्राडिक्शन पैदा हो गया है, पैदा होते जा रहा है, लेकिन जब भी दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, तभी शांति और सुव्यवस्था होगी, तभी इंसानियत बचेगी, वरना विनाश संभव है।